भाई लोग जिन लोगों को एड फ्री या ब्लोटवेयर फ्री मोबाइल फोन चाहते हो और आप सर्च कर रहे हो तो इस वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको मैं तीन फोन को आपको रेकमेंड करूंगा और क्यों रेकमेंड करूंगा, और इनमें से थ्री में भी बहुत सारे खामियाँ हैं और एडवांटेज भी हैं। इन दोनों को देख के आपको जो चीज़ चाहिए या जो फीचर्स चाहिए उसको देख के और प्राइस को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह के फ़ोन को आप ले सकते हो, ठीक है। यह कोई पेड गेम पेड नहीं है और कुछ भी नहीं है, जो मेरे दिल में है उसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहला चीज़ है ये मोटरोला एज 40 नियो, अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसका जो स्पेक्स है बहुत ही कमाल का स्पेक्स है, और इसमें आपको IP रेटिंग भी मिलता है, यानी आप इसमें पानी में भी आप लेकर जा सकते हो और डुबा भी सकते हो, ठीक है, फ्रेश वाटर में, या आप साल्ट वाटर में लगाया तो कोई गारंटी नहीं दे सकते कंपनियां भी कोई भी, ठीक है। अगर फिर भी कुछ हद तक के लिए यह आपको वाटर रेसिस्टेंट करेगा। इसका प्राइस 22,000 या 23,000 के आसपास है, आप कार्ड लगा के या आपको एक्सचेंज ऑफर में आपको बहुत ही कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का फ़ोन मिलेगा, तो ठीक है। मगर इसमें भी बहुत सारे खामियां हैं, वो है ये एक स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी डुअल व्हाट्सएप क्रिएट करना या ऐप को लॉक करना ऐसा चीज़ आप नहीं कर सकते, इसमें ऐसा वो चीज़ होता ही नहीं है। आप एक ही व्हाट्सएप आप चला सकते हो, आपको चाहिए तो आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो, यानी डुअल स्पेस या आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐसे लगा के आप यूज़ करना चाहिए पड़ेगा, मैं यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके डिस्प्ले अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, मगर आपको एक बात तो ध्यान में रखना है, जो मोटरोला का कैमरा होता है ना वो उतना अप टू दी मार्क नहीं होता। कैमरा के लिए लेते हो तो आप मोटरोला पे मत जाओ, अगर आपको डे टू डे यूज़ में चाहिए तो आप मोटरोला पे जा सकते हैं। ये इसमें मेन फीचर है वो वाटर रेसिस्टेंट वाला, ठीक है। और उसके बाद एक और फ़ोन है, एक गूगल का फ़ोन है, गूगल पिक्सल 6 है, ये भी वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन है और ये भी बहुत ही पावरफुल तगड़े प्रोसेसर के साथ आता है, टेंसर G2 का प्रोसेसर है। इसमें डिसएडवांटेज मैं पहले बता देता हूँ, इसका जो प्रोसेसर है ना ये एडवांटेज ही है और डिसएडवांटेज भी है। जो एडवांटेज है, आप इसमें ऑफलाइन में भी आप जो उसको वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, यानी आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है और आप ये ऑटोमेटिकली आप जो बोलते जाओगे वो आप टाइप करते जाएगा। वो स्पीच रिकॉग्निशन है ना वो टॉप नॉच है, यानी AI कैपेबिलिटी जो बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपेबिलिटी, वो इसमें आपको टॉप नॉच मिलने वाला है। मगर इसका एक ड्रॉबैक है कि ये फ़ोन बहुत ही गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि आप पानी भी गर्म कर सकते हो, ठीक है। मगर आपको इसमें अपडेट भी आएगा, ठीक है। अब आप बाल्टी में रखा दे तो मैं बाल्टी बोल चुका हूँ ये वाटर रेसिस्टेंट है, आपको पानी को गर्म करना है तो इस फोन को पानी के अंदर डाल दो और पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है, उतना गर्म होता है ये फोन। अगर फिर भी आप जो डे टू डे काम करने के लिए ठीक है, और इसका जो कैमरा है ना वही मेन हाईलाइटिंग फीचर है। इसमें आप फोटो निकालेगे तो DSLR क्वालिटी का फोटो आएगा, मगर इसका जो वीडियो है ना वो उतना अच्छा नहीं है, एज कम्पेयर टू अदर फोन को कंपेयर करें तो उतना अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। मगर फिर भी जो मोटरोला के कंपैरिजन में ये ठीक है, तो मोटरोला से थोड़ा अच्छा डील आपको पिक्सल 6a में मिलेगा, मगर इसका प्राइस 24,000 रुपीस है। मगर जो बिग बिलियन डे आने वाला है ना तब इसका प्राइस डाउन होगा, ये 20,000 के आसपास मिल जाएगा, तब आप इस फोन को ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक और बाई है, वो है नथिंग का बाई। आपको फीचर्स चाहिए, यानी आपको इसमें नथिंग फ़ोन में अभी एक हाल ही में एक अपडेट आया था, इसके साथ आपको इसमें डुअल व्हाट्सएप भी क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ आप जो ऐप लॉक को भी कर सकते हो इनबिल्ट में ही, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्यूबलाइट लाइट वाला दिखाना चाहिए, यानी आप वो लाइट दिखाना चाहते हो तो दूसरे लोगों के लिए मेरे पास ट्यूबलाइट है देखो ऐसे दिखाना चाहते हो तो आप इसमें दिखा सकते हो, शो मार सकते हो। मगर इसके कैमरा भी अच्छा है, यानी इसमें आपको दो दो
कैमरा मिलते हैं 50 मेगापिक्सल, एक अल्ट्रा वाइड है, एक मेन कैमरा है। आप इससे भी आप अच्छा फोटोज भी लेता सकते हो, साथ साथ में आप वीडियो भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी आपको कैमरे के लिए अच्छा है और उसके साथ फीचर्स भी मिलेगा और आप शोकेस भी कर सकते हो। मेरे पास नथिंग है, ठीक है, ये नथिंग फोन 1 है, इसका प्राइस 28 है, मगर बिग बिलियन डे के आसपास ये 23,000 के आने की चांसेस है, तब आप इसको ले सकते हो। मगर ध्यान रहे, इसको आप वाटर बाल्टी में नहीं लगा सकते, वाटर टैंक में या बाल्टी में या वाटर के सामने आप इसको मत शोकेस करो, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंस नहीं है। बाकी दो फ़ोन वाटर रेसिस्टेंट है, IP68 रेटिंग के साथ आते, ये कोई वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नथिंग है ना, इसमें ऐसा कोई थिंग नहीं है जो बाल्टी में लगा के आप कुछ कर सकते हो। आप लाइट लगा सकते हो जब भी आप एक अंधेरे में जा रहे हो तो, ठीक है। और एक ग्लिफ इंटरफेस है, ऐसा चीज। ये तीन फ़ोन मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ इस 20 to 30 or 20 to 25,000 के रेंज में। इसमें इन्फिनिक्स का फ़ोन भी आता है, मगर मैं उसको सेपरेट सेगमेंट में ले लेता हूँ, क्योंकि वो कैमरा सेंट्रिक में अच्छा है। इन लोगों को ब्लोटवेयर फ्री चाहिए। इसमें इस तीनों फ़ोन में आपको कोई भी एड्स या कोई भी फालतू की ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये सुपर फास्ट फ्लूइड जैसा मक्खन की तरह या बटर की तरह चलता है पूरे 5 साल तक, तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मोटोरोला का गारंटी नहीं है, मगर ये गूगल और नथिंग का तो गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी है ना ही मेंटेन करते हैं, क्योंकि गूगल तो मेंटेन करना पड़ेगा, नथिंग तो कार्ल पे का है, तो उसको तो उतने ज़्यादा पे कर सकते हो आप, तो वो तो 4 साल या 5 साल तक तो रन करना ही पड़ेगा ना। तो ये तीन फ़ोन आपको देख लो, ठीक है। तो मैं ये मेरा रिकमेंडेशन था, ऐसा ही वीडियो को मैं डालता रहता हूँ। जिनको चाहिए वो सब्सक्राइब कर लो, जिनको नहीं चाहिए तो आप लाइक कर सकते, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।